हेलो फ्रेंड्स, सौर ऊर्जा जागरूकता अभियान के आज के वीडियो लेक्चर में मैं कृष्णकांत श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन जानकारियों की हमें ज़रूरत होगी, जिससे हम जब स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं तो उसमें कोई गलती ना हो पाए और हमारी साइट पर हम बेहतर से बेहतर स्ट्रक्चर लगा सकें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सौर ऊर्जा जागरूकता अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित करें। तो जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पास ये आपकी अलग अलग प्रकार की डिज़ाइन आपको दिख रही होंगी। ये ऑलरेडी उन साइडों की जहाँ के लिए मैंने स्ट्रक्चर डिज़ाइन करके दिया है। तो किसी भी साइट के लिए स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने से पहले हमें उस साइट का प्रॉपर लेआउट पास होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेआउट का मीन्स जहाँ पास हम स्ट्रक्चर लगा रहे हैं उस छत की या रूफ़ की, या यदि हम ग्राउंड माउंटेड कर रहे हैं तो वहाँ क्या क्या हमको हो सकता है। उस जहाँ रूफ़ है वहाँ इस प्रकार का वाटर टैंक हो, या हो सकता है छत पे उतनी जगह ना हो जितनी बड़ी हम टेबल लगाना चाहते हैं। टेबल लगाना चाहते से मीन्स हो सकता है हम 5 मीटर हमें लंबाई चाहिए लेकिन हमारा जो रूफ़ है वो सिर्फ 3 ही मीटर हो, या शेडो फ्री एरिया जो है वो सिर्फ 3 ही मीटर अवेलेबल हो। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है जब भी आप किसी साइट का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करें उससे पहले ये जो डिटेल्स लिखी हैं, रिक्वायर्ड डिटेल्स, ये आपके पास प्रॉपर होना चाहिए। क्या क्या है इसमें? साइट पिक्स हैं। मीन्स साइट पिक्स हमें क्यों ज़रूरी हैं? ताकि हम बार बार तो चूंकि हम साइट पर जा नहीं सकते, तो यदि हमें कोई डाउट होता है कि यार टंकी किस नॉर्थ साइड थी या ईस्ट साइड थी, कितनी हाइट थी उसकी, वो बाउंड्री वॉल से कितनी दूर थी, तो ये सारी चीज़ों का हम जो अंदाज है वो पिक से लगा सकते हैं। तो इसलिए हमें साइट की फ़ोटोज़ होना चाहिए। यदि आपने साइट इंस्पेक्शन के समय वीडियो बनाया है तो वो और भी अच्छा है। सेकेंड चीज़ आती है हमारी साइट लेआउट। साइट लेआउट, इसे प्लान भी कहते हैं। तो इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? प्रॉपर जितना हमारे पास एरिया अवेलेबल है इंस्टॉलेशन के लिए वो हमें पता रहेगा प्लान या लेआउट से। साथ ही साथ लेआउट पे कहाँ कौन सी चीज़ है रूफ पे ऑब्जेक्ट, वो भी हम उसमें मेंशन किए हुए रहेंगे। जैसे आप देख सकते हो इसमें जो प्लान बने हैं, देखो आप, उसमें टावर लिखा है, वाटर टैंक लिखा है, वेंटिलेशन लिखा है, या लेडर होती तो लेडर भी होती उसमें, ठीक है, आपकी एसी यूनिट है, या कहीं ऐसा ऑब्जेक्ट होता आसपास जिसकी शेडो आ सकती है, जैसे पड़ोसी के घर की वॉल है या कोई पेड़ है बड़ा जो हमारे साउथ फेसिंग में जब हम मॉड्यूल लगाएंगे तो उधर हमको हो सकता है उसकी शेडो आ सके। तो ये सारी चीज़ें उस साइड लेआउट में मेंशन होना चाहिए। इसके बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट डिटेल। ऑब्जेक्ट डिटेल भाई जो मैंने बताया, जैसे वाटर टैंक हो, वेंटिलेशन हो, या और भी कुछ ऐसी चीज़। आपने देखा होगा मोस्टली आजकल के घरों में झूला लगे रहते हैं छतों पे, तो वो जो भी ऑब्जेक्ट आपका छत पे अवेलेबल है जिसका हमारे स्ट्रक्चर पे इफ़ेक्ट हो सकता है ना, तो उन चीज़ों की डिटेल हमें उस लेआउट में मेंशन करना चाहिए। हाइट ऑफ पैराफेट वॉल, ये क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है आपने फ्रंट लेग की हाइट जो है वो 0.3 मीटर, मतलब लगभग 1 फिट रखी हो, लेकिन वहाँ जो पैराफिट वॉल है उस घर पे रूफ पे वो 1 मीटर हो, मींस 3 फिट से ज़्यादा। तो ऐसे में क्या होगा, हमारे स्ट्रक्चर पे या हमारे मॉड्यूल पे उस बाउंड्री वॉल की शेडो आ सकती है। इसलिए हाइट ऑफ पैराफिट वॉल भी हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम प्लान बनाते हैं या साइड लेआउट डिज़ाइन करते हैं। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्यों ज़रूरी है दोस्तों? यदि आप मैनुअली स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे हैं या लेआउट बना रहे हैं तब तो ठीक है, बट यदि आप 3D डिज़ाइन कर रहे हैं, सपोज आप सोलर लैब्स यूज करते हैं या PV सोल यूज करते हैं या हेलियोस्कोप यूज करते हैं, ठीक है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर में हमें साइट के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए। तो यदि आप 3D डिज़ाइन करना चाहते हैं तो आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी साइट विजिट या साइट इंस्पेक्शन के समय ही नोट डाउन कर लेना चाहिए। तो ये रिक्वायर्ड डिटेल हैं जो हमें किसी भी साइट के, यदि हम उस पर स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना चाहते हैं तो हम रखें, ताकि हमें बार बार साइट विज़िट ना करना पड़े। एक बार साइट विज़िट कर ली हमने, जो रफली हमने साइट की पिक्स ली थी, लेआउट बनाया था, जो भी ऑब्जेक्ट थे उनकी डिटेल लिखी थी, उसके बाद हम एक ये ऐसा 2D प्लान बना लेते हैं। आप देखो ये
एक चीज और याद रखिएगा दोस्तों कि जो डायरेक्शन है आपका नॉर्थ साउथ, ये आप सभी जो भी आप बनाएं लेआउट उसमें जरूर मेंशन करें। क्यों? क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम हमारे स्ट्रक्चर का जो फेसिंग है वो डिसाइड करेंगे या रखेंगे। तो देखो आप, जैसे ये बना है नॉर्थ साउथ, ये आपका थोड़ा टिल्ट हिल साइड, तो ये तिरछा बना है, तो ये अलग अलग साइड के लेआउट हैं। आप इसमें देखो, कहीं पास हो सकता है वाटर टैंक हो, कहीं आपका सीमेंटेड वाटर टैंक हो या वेंटिलेशन हो, तो ऐसे अलग अलग चीज़ें इसमें बनी होगी। इसके बाद ये एक हम एग्जांपल लेके चलते हैं, एक 3 किलोवाट साइट है जहाँ का मैंने ये 2D लेआउट बनाया। अब आप देख सकते हो इसमें हम दो प्रकार से मॉड्यूल लगा सकते हैं, एक तो हमारा 5x2 की टेबल, मीन्स आगे 4 पैनल उसके पीछे 5 पैनल कर दें हम, ठीक है, या इसको हम 3x3 में भी बना सकते हैं। तो ये आप कैसे कंफर्म करोगे, ये आप कस्टमर को दोनों सजेशन दीजिए कि सर इस प्रकार से लगाया जा सकता है, आप बताइए हम कैसा लगाएं। इसमें एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा दोस्तों कि 3x3 और 5x2 बनाने में हमारे लिए कॉस्ट वाइज भी और वर्क करने के अकॉर्डिंग भी 5x2 की टेबल डिज़ाइन करना ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्यों? क्योंकि जब हम 3x3 के टेबल बनाते हैं तो हमारा बैक लेग जो है वो बहुत ज़्यादा हाइटेड हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक तो हमारा स्ट्रक्चर की कॉस्ट बढ़ जाएगी, दूसरा इसे लगाने में या इसको जब हम इंस्टॉल करेंगे तो इसमें मैन पावर भी ज़्यादा लगेगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा वर्क कंप्लीशन का। तो कोशिश करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम वर्टिकल हाइट को कम रख सकें उतना आपके लिए बेहतर होगा। आज के वीडियो में हम सिर्फ पहली वाली डिज़ाइन का ही डिस्कशन करेंगे, सेकेंड जो डिज़ाइन है 3x3 की वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो ये आप देख सकते हो 5x2 की टेबल बनाया हूँ मैंने, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से दिखेगा जो आप इसमें है। इसमें आपको यदि पता है तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं है तो आप जान सकते हो लेग टू लेग, मतलब फ्रंट लेग से बैक लेग जो हम लोहे का वर्टिकल पीस लगाते हैं, पर्लिन लगाएं या राफ्टर लगाएं, यू चैनल लगाएं, सी चैनल लगाएं, एंगल लगाएं, गाटर लगाएं, तो उसे हम राफ्टर कहते हैं। ये आप देखो यहाँ लिखा हुआ है। इसी प्रकार जो उस पर हॉरिजॉन्टली लगते हैं, जिस पे हम हमारा मॉड्यूल फिक्स करते हैं, मिड और एंड क्लैंप से करें या नट बोल्ट से टाइट करें, वो पर्लिन कहलाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ देख सकते हो आप, ये आपकी दो टेबल हो गई, पीछे आप 5 पैनल लगाओ, आगे आप 5 या 4 पैनल जो भी लगाओ, ये आपकी इस टेबल को हम कहते हैं 5x2, मींस हॉरिजॉन्टली हम इसमें 5 पैनल लगा सकते हैं, और बाई टू का मतलब है उस प्रकार की दो रो बनाई जा सकती हैं, ठीक है। तो ये हो गया 5x2। ये साइड व्यू है इसका, आप देखो ये राफ्टर है, जैसे आप देख रहे हो ना दो लेगों के ऊपर ये जो लगा, ये राफ्टर है, इसके ऊपर हम मॉड्यूल फिक्स करते हैं। तो अब स्ट्रक्चर डिजाइन में हमको मेनली 3 जो डेटा चाहिए, साइड प्लान, साइड लेआउट बनाने के लिए जो इम्पोर्टेंट था वो हमने पहले जान लिया। अब जब हम स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं तो हमें ये 3 जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्या क्या? वर्टिकल हाइट ऑफ स्ट्रक्चर। वर्टिकल हाइट ऑफ स्ट्रक्चर का मीन्स है कि हम वर्टिकली कितने मॉड्यूल एक पूरी रो में लगा रहे हैं वर्टिकली। जैसे आप यहाँ देख सकते हो 5x2 है, 2 मीन्स एक के ऊपर एक मॉड्यूल रखा है, तो इसकी जो वर्टिकल हाइट होगी वो क्या होगी, एक मॉड्यूल की हाइट वर्टिकल लेंथ इंटू 2। अगर यहाँ 5 मॉड्यूल होते तो 5 मॉड्यूल की जो वर्टिकल लेंथ है, नॉर्मली मॉड्यूल जो है वो आपके 2 मीटर के रहते हैं, 400 प्लस के मॉड्यूल जो है वो तो बड़ी साइज के रहते हैं, 2.1 के समथिंग, बट नॉर्मली जो पैनल हैं आपके वो 2 मीटर के रहते हैं। तो वर्टिकल हाइट मीन्स 5 पैनल यदि मैंने लगाए हैं एक के ऊपर एक, तो वो क्या हो जाएगा, 5 × 2 मीटर, मतलब 10 मीटर वर्टिकल हाइट हो जाएगी, ठीक है। दूसरा है मेरा टिल्ट एंगल, आपको कितना टिल्ट एंगल देना है अपने स्ट्रक्चर में, या आप फिक्स कर सकते हैं 20, 23, 25, जैसा आप देना चाहो, 5, 10, वो आप इसमें मेंशन करोगे। तीसरा है आपका टेबल साइज, टेबल साइज भी वही 3x3, 5x2, 5x1, 4x3, 4x2, ये हो गया टेबल साइज। तो ये 5x2 की टेबल है, ये आप देख सकते हो ये राफ्टर है, ये लेग है, फ्रंट लेग बैक लेग, इसके ऊपर ये जो येलो कलर से दिख रहे हैं ये मैंने मॉड्यूल लगाए हैं। तो दोस्तों जब हम मॉड्यूल लगाते हैं तो बिल्कुल कॉर्नर से नहीं इसको करते, हमारा मॉड्यूल हमारे जो राफ्टर है उससे लगभग 0.4 बाहर निकला रहता है दोनों तरफ। तो ये कुछ फार्मूला मैंने बनाए हैं। अब इसमें देखो आप, जो मैंने पिछली स्लाइड में हमने देखा था 3 जो डाटा है हमें चाहिए, टोटल वर्टिकल हाइट,
दो पैनल लगे हैं, तो मेरा एक पैनल 2 मीटर का है, तो हाइट हो गई मेरी 4 मीटर। टिल्ट एंगल मैं इसे 20 डिग्री ले रहा हूँ। नंबर ऑफ मॉड्यूल इन हॉरिजॉन्टल, 5x2 की टेबल है तो 5 मॉड्यूल रहेंगे हॉरिजॉन्टल में, तो ये मैंने 5 लिख दिया। अब ये जो एच है, स्मॉल एच, ये कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, साइन इंटू टिल्ट एंगल। साइन टिल्ट मीन्स हम 20 डिग्री ले रहे हैं, तो आप साइन 20 लिखिए, मल्टीप्लाई करिए उसे टोटल वर्टिकल हाइट माइनस 2 मीटर। अब ये 2 मीटर क्यों मैंने माइनस किया, तो आप देख सकते हो ये 0.5 मेरा राफ्टर निकला है, प्लस इसके बाद आपका ये पैनल निकला है कि नहीं। तो 2 मीटर मीन्स ये 1 मीटर इधर ये कम हो गया, 1 मीटर ये पीछे कम हो गया, तो मेरा लेग टू लेग जो डिस्टेंस है आपका डायगोनली, ये 2 मीटर कम करके ही मैं लिखूंगा। यदि मैं यहाँ 3 पैनल लगाता तो उसमें भी मैं क्या करता, 6 हो जाता वर्टिकल हाइट माइनस 2 मीटर, तो 6 में से 2 जाता तो यहाँ 4 मीटर आता। तो साइन टिल्ट एंगल साइन 20 इंटू 2 मीटर, जब मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो ये आपका निकलेगा 0.68 मीटर, मीन्स 0.7 मीटर। ठीक है, ये हो गया आपका स्मॉल एच। अब स्मॉल एच मिल गया तो मैं लास्ट लेग निकाल सकता हूँ। लास्ट लेग कैसे निकालेंगे हम, लास्ट लेग निकालेंगे हम फ्रंट लेग प्लस मेरे, आप ये देखो डिफरेंस, ये फ्रंट लेग है, ये जो आपके सामने ये लाइन है, ये फ्रंट लेग इक्वल है, इसके ऊपर ये स्मॉल एच और ऐड करना पड़ेगा। तो फ्रंट लेग आप, मैंने बताया था आपको जितनी पैराफिट वॉल है, या तो आप उससे थोड़ा ऊंचा रख के रख सकते हो, या यदि कस्टमर ऐसा कहता है कि भाई इतना हाइटेड रखिएगा स्ट्रक्चर कि हम इसके नीचे से इजीली वॉक कर सकें, तो आप उसे क्या करोगे, लगभग 2 या 2.25 मीटर रखोगे। तो फ्रंट लेग मैं जितना भी यहाँ रखूँगा उसमें प्लस एच हो जाएगा, तो मेरा लास्ट लेग मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ मैंने फ्रंट लेग 1 मीटर लिखा था, 1 मीटर प्लस एच इक्वल टू हो गया मेरा 1.7 मीटर, तो ये मेरे दोनों लेग मिल गए मुझे। इसके बाद आती है मेरी राफ्टर, ये जो ब्लू कलर की आपको दिख रही है ये है राफ्टर। राफ्टर में कैसे निकालूंगा, टोटल वर्टिकल हाइट माइनस 0.8 मीटर, तो टोटल वर्टिकल हाइट मेरे चूंकि 2 मॉड्यूल हैं तो हो गया 4, माइनस 0.8 मतलब 3.2 मीटर, ये मेरी हो गई राफ्टर। यदि यहाँ 3 पैनल होते तो मैं 3 पैनल का वर्टिकल हाइट हो जाती 6 मीटर, उसमें से माइनस 8 करता मैं तो वो मेरा कितना आ जाता 5.2 मीटर। तो इस प्रकार से मेरी ये राफ्टर निकल आएगी। अब इसके बाद आती है मेरी पर्लिन। पर्लिन कैसे निकालेंगे हम, टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल इन हॉरिजॉन्टल इंटू 1 मीटर प्लस टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल इन हॉरिजॉन्टल प्लस 1 इंटू 0.05 मीटर। ठीक है, तो आप इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आपकी पर्लिन क्या निकलेगी, नंबर ऑफ मॉड्यूल हॉरिजॉन्टल 5 है, इंटू 1 कर दिया तो ये हो गया 5, प्लस टोटल मॉड्यूल इन हॉरिजॉन्टल 5 है प्लस 1 तो ये हो गया 6, और 6 इंटू 0.05 मीटर। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये मेरी पर्लिन जो है मुझे 5.3 मीटर की आएगी। दोस्तों ये जो 0.05 मीटर है ना, ये क्या है, ये आपके जो आप मिड और एंड क्लैंप यूज करते हो ये उसका है। ठीक है, लंबाई, यदि आप मिड और एंड क्लैंप यूज नहीं करते, आप डायरेक्ट पर्लिन में ही होल बना के मॉड्यूल फिक्स करते हो, तो आपको ये 0.05 मीटर इसमें आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही उस पर लगा सकते हो पूरी एक पर्लिन पे अपने मॉड्यूल। लेकिन यदि आप मिड और एंड क्लैंप यूज कर रहे हो तो उसकी लंबाई को भी मेंशन करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी पर्लिन जो है वो छोटी हो जाएगी, आपके पैनल नहीं लग पाएंगे। तो हमने क्या किया, हमने फ्रंट लेग निकाल लिया, लास्ट लेग निकाल लिया, राफ्टर क्या रहेगी और मेरी पर्लिन किस साइज की रहेगी, ये मैंने 5x2 की टेबल के लिए कैलकुलेट कर लिया। आप चाहो तो इन फॉर्मूलों को एक एक्सेल शीट में भी लगाकर एक रेडीमेड टूल जैसा आप डिजाइन कर सकते हो, जिसमें आप सीधे जो भी वैल्यू है वो मेंशन करेंगे और आपको फ्रंट लेग, लास्ट लेग, पर्लिन, राफ्टर, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट हो जाएंगी। फ्रंट लेग आप इसमें कुछ भी रख सकते हो, जैसा मैंने पहले बताया, यदि यहाँ 2 मीटर होता तो मेरा लास्ट लेग 2 मीटर प्लस 0.7 मीन्स 2.7 आता, यदि फ्रंट लेग मेरा 3 मीटर होता तो लास्ट लेग मेरा 3 प्लस 0.7 मीन्स 3.7 मीटर आता। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, आप मुझसे फेसबुक पे जुड़ सकते हैं, मेरी वेबसाइट पे कनेक्ट हो सकते हैं मुझसे, या लिंक्डइन पे भी मुझसे ऐड हो सकते हैं। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।